हे गाइस, दिस इज़ शिवानी वर्मा एंड यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैंने बहुत ही आप लोग के लिए आसान उपाय लाया है आपके हेयर रिमूव्स करने के लिए, हैंड के, लेग्स के, और इसे फेस पे यूज़ नहीं कर सकते, हाथ पैरों के बहुत ही अच्छे से हेयर रिमूव हो जाएंगे। इसे मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। ये 299 का है, बट मुझे 200 में मिला है, 198 ऐसा कुछ आसपास मिला है। तो ये है हेयर रिमूवल पाउडर और वैक्सिंग पाउडर है, और ये आप देख सकते हो चॉकलेट फ्लेवर है। गाइज, मैंने वीट ट्राई करके भी देखा था, बट उससे स्किन ब्लैक हो जाते हैं। देन सेकंड मैंने वैक्सिंग करके देखा, उससे मुझे बहुत पेन फील हुआ, तो मैंने वैक्सीन पाउडर सोचा कि ये सही रहेगा। और इसमें के बहुत सारे फ्लेवर भी आते हो, देखो जैसे इंडिगो पाउडर, हीना पाउडर, अरीठा पाउडर, सीका काई पाउडर, सारे फ्लेवर आते हैं। तो ये मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिया है। तो गाइस, ये आपका बहुत इजी और बहुत अच्छा, नो पेन बिल्कुल भी नहीं होगा यूज़ करने में आपको। बस इसे बहुत ही सिंपल है इसे यूज़ करना। आपको एक बॉल लेना है और आपको अपने पैरों हाथों के हिसाब, बाल हटाने के लायक, मतलब जितने बाल हटाने हैं उसके हिसाब से आपको बॉल में पाउडर निकालना है। देन उसे और इसका गाइस पैकिंग भी अच्छा है, जिपर वाला है, लॉक कर सकते हो तो वो काफ़ी दिन तक चलेगा, वेस्ट भी नहीं होगा। देन आप इसे पानी से पानी डाल के, नॉर्मल पानी, आप इसे एक पैक बना लो अच्छा सा, और कुछ देर के लिए इसे रख देना है पैक बना के, ताकि ये अच्छे से थोड़ा टाइम ले ले, अब्जॉर्ब कर ले पानी को और पानी पाउडर को अब्जॉर्ब कर ले। गाइस, इसकी स्मेलिंग कुछ ख़ास नहीं है, बहुत गंदी इसकी स्मेलिंग आती है, फिर भी स्मेल करने लायक है। नाउ दैट गाइस, आप मेरे मैं इसे यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। ये मेरे हैंड्स पे देखो आप लोग कितने बाल हैं। मैंने वीट यूज़ किया था गाइस, वो जो पैकेट में आते हैं ना, आठ आते हैं जो खींचने वाले, तो वही मैंने यूज़ करा था। देन आप देखो मेरे हैंड्स पे कितने बाल हैं, और मैं इस ये बिफ़ोर देख लो, देन मैं यूज़ करने के आपको दिखाऊंगी, यूज़ करने के बाद कि कैसा मतलब इसका रिज़ल्ट होता है। आपको एक ब्रश ले लेना है, ब्रश से इसको यूज़ करना है। छोटा कोई भी आपका वेस्टेड ब्रश हो, बढ़िया ब्रश मत लेना, वेस्टेड ब्रश लेना पतला सा, और ऐसे आपको यूज़ करना है। पूरे हाथों और पैरों पे लगाना है, जहाँ जहाँ बाल हैं, आपकी उंगलियों पे भी बाल होते हैं और कलाई पे बाल होते हैं, हाथों पे बाल होते हैं, तो आपको वहाँ वहाँ अच्छे से यूज़ करना है। जहाँ तक टी शर्ट है, वहाँ टी शर्ट का मतलब वो है बाजू है, वहाँ तक मैं अपने हाथों पे यूज़ करूँगी इस पैक को, और बिल्कुल मोटा मोटा परत लगाना है। आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है इसे लगाने में, मोटा मोटा परत लगाना है और बिल्कुल अच्छे से लगाना है, जल्दीबाजी में नहीं लगाना, आराम से लगाना है, तभी मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, वरना वीडियो क्रॉप करके भी मैं दिखा सकती थी आपको। आप देखो मैं जैसे लगा रही हूँ अच्छे से, वैसे ही आपको भी लगाना है। देन इसे सूखने देना है जब तक ये अच्छे से सूख जाए, और इससे आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, मैं से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, कोई भी दाना वगैरह कुछ नहीं होगा, ना आपकी स्किन काली पड़ेगी, खुजली, रैसेस, इचिंग वगैरह कुछ नहीं होंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। बस आपको सूखेगा तो थोड़ा ही टाइट टाइप का लगेगा। तो मैंने रिंग भी हटा दिया, क्योंकि उंगलियों पे थोड़े थोड़े बाल होते हैं, और जहाँ मैं लगा रही हूँ वहाँ भी बाल होते हैं, पता नहीं उसे क्या कहते हैं। तो देखो ऐसे आपको भी लगाना है, कि आपको ऐसे बहुत आपकी हैंड्स साफ करने के बाद बहुत अच्छे दिखेंगे, आपको खुद में ही अच्छा फील होगा। तो आप इसे हमेशा लगाओगे, ऐसे यूज़ करोगे। तो मैंने पूरा इसे लगा दिया है, और अब मैं इसे सूखने दूँगी। नाउ गाइस, ये अब दोनों हाथों पे मैंने लगा दिया है, वो आप कहोगे कि आधा उस पर मैंने क्यों लगाया है,
तो ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने उस पे आधा लगाना पड़ा, थोड़ा सा हट गया। वैसे भी कोहनी के पास ज़्यादा बाल नहीं होते तो वहाँ नहीं लगाया मैंने। अब मैं इसे सूखने दूंगी, ये पूरा सूख गया है अच्छी तरह से, आधा घंटा से ज़्यादा ही मैंने इसे टाइम दे दिया है सूखने के लिए। अब मैं इसे पोछूंगी। गाइस, आपको एक स्क्रबर होता है ना, जो बर्तन धोने वाला आता है उसमें एक स्क्रबर होता है, वही आपको यूज़ करना है। मैं कपड़े से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो है नहीं। तो आप देखो, मैं यहाँ कपड़े से जो कुछ ज़्यादा ही ड्राई कपड़ा हो उससे यूज़ करना है। मैं अच्छे से उसे यूज़ कर ली हूँ, पोछ ली हूँ, देन धो ली हूँ। देन आप देखो, आपको एक भी हेयर नहीं दिखाई देगा, पूरा साफ़ हो चुका है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और फीलिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। आप देखो, मेरा हाथ एकदम छूने के जैसे मक्खन मक्खन टाइप का लग रहा है, फिसल रहा है। तो मैंने इसे लेग पे भी लगाया है और वहाँ का भी बाल साफ़ हो गया पूरे अच्छे से। देन मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ कर लेना है पूरे हैंड पे, और ऐसे ही आपको यूज़ करना है। गाइस, मेरी वीडियो आने में थोड़ी लेट हो रही है, तो कोई नहीं गाइस, आप मुझे सपोर्ट करते रहना। और आपको कोई भी ब्यूटी में और लाइफ स्टाइल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई भी मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय एंड टेक केयर। नाउ अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।